दुबई के इस अरबपति लड़की मोना कटान से मिली है। इसका घर और इसकी महंगी चीजें देखकर आपको चक्कर ना आ जाए। इस लड़की के एक बैग की कीमत 1 करोड़ रुपए है और ऐसे इसके पास सैकड़ों बैग्स है। और इस लड़की को परफ्यूम तो हद से ज्यादा ही पसंद है, इसलिए इसने परफ्यूम के लिए एक अलग कमरा बनाकर उसमें 3,500 परफ्यूम की बोतल्स खरीद के रखी है। इतना ही नहीं, इस लड़की ने हजारों महंगे गॉगल्स अलग अलग देशों से मंगा कर रखे है और इसके पास महंगी गाड़ियाँ, महंगी पेंटिंग्स की तो कोई कमी नहीं है। दोस्तों, हम सबको पता है शेर या शेरनी कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन एक बॉडी बिल्डर ने सोचा क्यों ना शेर के साथ रस्सी का एक मुकाबला किया जाए। उसे शायद अपनी ताकत पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया था, इसीलिए उसने एक रस्सी का छोर शेर को दिया और दूसरी तरफ खुद वो रस्सी को पकड़कर खींचने लगा। भाई साहब, बॉडी बिल्डर ने पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वो शेर को खींचने के बजाय शेर ने उसे आगे की तरफ खींच लिया। ये तो कुछ भी नहीं है, इस शेरनी को देखिए कैसे इसको 3-4 हट्टे कट्टे लोग आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने भी जी जान लगा दी, लेकिन शेरनी को आगे लाने का तो छोड़िए, वो उसके मुंह से रस्सी भी नहीं छुड़ा पाए। शायद इन लोगों ने शेरनी को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। अब ऐसे ही शेर को जंगल का राजा थोड़ी ही ना कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता कि मुंबई में हिचकी नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ कोई आम खाना नहीं मिलता है, बल्कि बाली बुढ़िया खाना मिलता है। यहाँ आलिया भात, चिकना रनौत, सलमान चटनी, हार्दिक और कड़ड़ की कॉफी जैसे अनोखे मेनू है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुबई में गंदी कार चलाने पर मालिक को जुर्माना देना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, पूरी दुनिया में तुर्कमेनिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोगों को पानी, गैस और बिजली 1993 से लेकर आज तक बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है अगर कोई गिलहरी मर जाए तो अन्य गिलहरी उसके बच्चे को गोद ले लेती है और बिल्कुल इंसानों की तरह बच्चे की देखभाल करती है। फैक्ट नंबर 5, हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जर्मनी की मोंट ब्लैक कंपनी का पेन इस्तेमाल करते हैं जिसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। इस दुनिया में आपने बहुत से हैकरों के बारे में सुना होगा जो बड़ी बड़ी हैकिंग करके यहाँ से वहाँ हेरा फेरी करते हैं, खुद के लिए, किसी अच्छे काम के लिए नहीं। पर ये हैकर हैं जिनके बारे में अगर आप सुनिएगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, दुख से आएगा कि खुशी से वो तो पता नहीं, पर आएगा जरूर। इनका नाम है हमजा बेंदेलेज, अल्जीरियन हैकर और हीरो। इन्हें लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं क्योंकि 27 साल के हमजा ने $4 बिलियन 217 बैंकों से हैक किए गए जमा इस पैसे को उन्होंने फिलिस्तीनी चैरिटीज और अफ्रीकन कंट्री को डोनेट कर दिया था पुअर लोगों के लिए। 2013 में वो बैंकॉक में एयरपोर्ट से पकड़े गए थे, अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के लिए। तो आपको पता है कि अरेस्ट होते हुए भी वो थोड़ा सा भी निराश नहीं, वो इतने हैप्पीएस्ट हैकर है ये। ये है मिस्टर सिद्धार्थ चिलाल, जिन्होंने 66 सालों से कभी अपने नाखून ही नहीं काटे हैं। इनके नाखून 198 सेंटीमीटर से भी बड़े हैं। ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सिद्धार्थ ने 50 सालों तक अपने सिंगल हैंड से ही अपने सारे काम करे हैं, लेकिन फाइनली सिद्धार्थ के ना चाहते हुए भी उनके नाखून अब इस हालत में पहुंच चुके थे कि उन्हें अब कटवाना जरूरी हो गया था। नाखून कटवाने के बाद भी म्यूजियम वालों ने एक अच्छी खासी रकम देकर सिद्धार्थ से उनके नाखून खरीद लिए, जो कि आज किसी म्यूजियम की शान बढ़ा रहे हैं। 5 रैंडम फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, दिमाग तेज करने के लिए रोज दही खाएं, क्योंकि दही में अमीनो एसिड होता है जो तनाव को दूर करता है और दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। फैक्ट नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क केवल किताबें फटकर साइंटिस्ट बन गए, इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। फैक्ट नंबर 3, मैड्रिक एक ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है तथा इसे काटने पर यह बच्चों के रोने जैसी आवाजें निकालता। फैक्ट नंबर 4, माइकल लोटिटो एक ऐसा इंसान है जो पूरा का पूरा प्लेन खा गया था। ये इंसान लोहे को आसानी से पचा सकता है। फैक्ट नंबर 5, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी की जॉब चली जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसे तब तक सैलरी देती है जब तक वो नई जॉब नहीं ढूंढ लेता है। जब महात्मा गांधी की मौत हुई थी तो उनका अंतिम संस्कार भारत देश में किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार था। गांधी जी की शव यात्रा में 15 लाख लोग सड़क पर खड़े थे और 10 लाख लोग शव यात्रा के पीछे चल रहे थे। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपने बहुत बारी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, बट क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की मेन वजह क्या है? अगर नहीं तो चलो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले बिजली नहीं हुआ करती थी और ना ही नेल कटर का आविष्कार हुआ था, तो उस समय लोग नाखून काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से अंधेरे में नाखून काटने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। और अगर नाखून काट भी लिए तो कटे हुए नाखूनों को रात के अंधेरे में ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। बस इसीलिए हमारे पूर्वज ये बात कहा करते थे कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए।